गाइस इतना थकने के बाद अगर आपको सिर्फ एक ही व्यू दिखाएं जिसमें आपको एनर्जी मिल जाए तो आप लोग देखना चाहोगे। 1 2 3 कम ऑन साक्षी, ये देखो गाइस खतरनाक चढ़ना पड़ता है यहाँ पे। अरे ये देखो गाइस इतना खतरनाक ऐसे चढ़ना पड़ता है, ये देखो इतना मुसीबतों का सामना करते हुए जाना पड़ता है। पलट जाओ इधर। तो गाइस अभी कुछ बड़ा वाला वाटरफॉल जाने के लिए ऐसा जाना पड़ता है, ये देखो इतना पत्थर पत्थर वाला रास्ता है, ये देखो जो कि बहुत ही डेंजर है, तो आप लोग शूज पहन के जरूर आना। इतना खतरनाक मुश्किलों का सामना करते हुए हम, ये देखो व्यू, आकाश बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, उसके लिए एक लाइक तो कर दो। गाइस इतना थकने के बाद अगर आपको सिर्फ एक ही व्यू दिखाएं जिसमें आपको एनर्जी मिल जाए तो आप लोग देखना चाहोगे। 1 2 3 ये देखो ऐसा व्यू, जस्ट नीचे में पानी बह रहा है, सो लेट्स गो। चल रहे ये देखो गाइस गजब का पानी, यहाँ बहुत मजा आएगा। यहाँ पे अपना शूज गीला हो चुका है, अभी चलते हैं लगभग और 2 किलोमीटर का ट्रैकिंग करके अपन को जाना पड़ेगा गाइस। तो अभी तक अगर देख रहे हो पता है आप लोग बोर हो चुके हो, फिर भी एक लाइक कर दो क्योंकि इसके बाद जो मैं व्यू दिखाने वाला हूँ उसमें आप लोग एक्साइटेड के मारे मेरे साथ खुद यहाँ पे आना चाहोगे, तो इसलिए पहले लाइक कर दो ठीक। चलो जल्दी से चलते। तो हे एवरीवन, स्वागत है फिर से नेक्स्ट ब्लॉग पे सेकेंड पार्ट में। तो वो मेरा फर्स्ट पार्ट था, आप लोग अगर नहीं देखे होंगे अपखोल वाटरफॉल वाला, जो कि ओडिशा हाईएस्ट वाटरफॉल है यहाँ का सबसे ऊंचा, तो वो मेरा फर्स्ट पार्ट था और ये है सेकंड पार्ट। तो दोस्तों हम लोग अभी बड़ा अपखोल वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं, जो कि लगभग वो छोटा वाटरफॉल से 2 किलोमीटर का ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है, तो इसके लिए आप लोगों का पैर मजबूत होना चाहिए और पॉकेट में पानी पाउच होना चाहिए, तभी आप लोग पहुँच सकते हैं। तो मिलते हैं डायरेक्ट बड़ा वाटरफॉल के पास में। आवाज़ तो सुनाई दे ही रहा होगा, ये देखो अपने बंदे लोग, बाकी लोग थक चुके हैं, अभी तुम लोग खाने का लेने गए थे ना, ये देखो पूरा थक गए हैं लोग, बहुत ही ज़्यादा थक गए। तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा सबसे बड़ा वाटरफॉल जो कि यहाँ का फेमस है, उड़ीसा का बरगढ़, जो कि बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, बरगढ़ जिला में, बरगढ़ बोल रहा हूँ। तो चलो आपको दिखाते हैं आगे का व्यू, लेट्स गो। केदारनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ कश्यप, तो गाइस हम लोग जैसे ही हम मंजिल की ओर पहुंचते हैं हम लोगों को कुछ इस तरह का दिखता है व्यू, मतलब पहला रिवर क्रॉस करना पड़ा, अब देखते हैं आगे कितना रिवर आता है। क्या कहते हैं दोस्ती, देखो भाई का प्यार, भाई बहन का प्यार, बेचारी का लेस खुल गया और लेस बांधने जानती नहीं है क्योंकि लेस खाती नहीं है और एक कुरकुरे खाती है। तो अरुणा पहली बार आ रही है, कैसा लग रहा है? पूरा हालत खराब हो गया, ये देखो इसलिए बोलता हूँ कि स्टिंग पी के आती है ना बाबा। हाँ स्टिंग पी के आती है, बेचारी थक गई है। आकाश तो 3 बार आ चुका है, तो और प्रिंस कल तो अपना प्रिंस ब्रो केशकाल भी गया था, तो अभी बेचारा बहुत ही ज्यादा थक गया। कैसे आ रहा है एनर्जी? केशकाल कहाँ शिशुपाल गया था। हाँ तो कैसा लग रहा है प्रिंस?
बहुत अच्छा लग रहा है। अरे यार देखो बंदा पे दम है भाई, कल शिशुपाल चढ़ के आए फिर भी आज पंचर हो गया था भाई। इसका बाइक पंचर हो गया था फिर भी देखो आपको लाने के लिए रेडी है। इसको बोलते हैं दोस्ती यारी जो गाइस पिछले बार हम लोग ये वाला रास्ते से गए थे जो कि अपन नहीं जानते थे, लेकिन अब जानते हैं। वी आर वी नो द ओदे। अरे होली के जो कम ऑन साक्षी, चलो चलो और थोड़ा थोड़ी ही दूर बचा है फिर आप लोग कौन सा ग्रुप से हो भैया लोग? अनीस हरिसन ड्रैगर। हाँ अरे गजब भैया पर बॉडी ऑडी है। ये देखो गाइस गजब का दिख रहा है नज़ारा, वो है पानी वहाँ पे वाटर स्ट्रीम, और ये हम चलते हुए साइड में आप ये अपना सेकंड स्ट्रीम पहुँच चुके हैं, नहीं सेकंड नहीं थर्ड है, ये थर्ड वाटर स्ट्रीम तो क्रॉस करते हैं अभी। अब इधर सामने टिल्ली टिल्ली ये भाई लोग के जैसे इधर चाहो देख भाई यार दोस्ती। वाह ये फोटो खिंचाते हैं, चलो ना हम लोग भी सब्सक्राइबर हम लोग को ले ले। हाँ यार हाँ यार हाँ भाई आ गए यार रगड़ से। अरे ऐसा क्या ये सब्सक्राइबर है कैसे यार भाई? भाई सब्सक्राइबर मिल गया यहाँ, चलो कट लगाना पड़ेगा। हेलो गाइस लेट्स गो, सब छत्तीसगढ़ के हैं यार, जय जोहार जय किसान। तो गाइस हम लोग अभी लगभग पहुंच ही गए, जस्ट सामने में व्यू है तो आपको बड़ा अपफॉल का वाटरफॉल दिखाते हैं। ये देखो सामने में क्या दिख रहा है गजब का, वाव ये देखो व्यू। तो लगभग पहुंच ही गए हम लोग, बहुत एक्साइटेड है गाइस, इतना दूर लगभग 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग को ये वाटरफॉल देखने मिल रहा है जो कि जस्ट सामने में है। तो अरे यार हालत ख़राब हो गया है, तो बने रहना ब्लॉग पे आपको दिखाते हैं थोड़ी देर पे आप। ये देखो गाइस इतना ख़तरनाक रास्ता है, ऐसे बच के जाना पड़ता है। देखो इतना ख़तरनाक, नीचे गिरोगे तो आप लोग डायरेक्ट पानी में। वो ये देखो गाइस खतरनाक चलते चढ़ना पड़ता है यहाँ पे। अरे ये भाई तो स्पाइडरमैन निकला, एक नंबर यार पूरा, तोर पैर में मस्त ग्रिप है यार, मैं भी चढ़े आता हूँ। ये देखो भाई लोग ऐसे चढ़ रहे हैं, चढ़ना है यार सबको, जाके चिकन चावल खाना। अरे यार पानी पीनी है, ये देखो पूरा सूखा सूखा, कोई कोई बात नहीं। ये देखो गाइस इतना खतरनाक ऐसे चढ़ना पड़ता है, ये देखो इतना मुसीबतों का सामना करते हुए जाना पड़ता है। ये देखो कैसा पूरा टूटा है। अरे यार हम ऊपर से, अच्छा बंद है ना वाला, भाई लोग थक चुके हैं यार पूरा पूरा हालत खराब। अरे धुआंधार तो चलो उतरते हैं अभी। ये देखो इतना खतरनाक रास्ता गाइस, वो देखो पहुंच चुके हैं अपन
झलन दिखाओ, झलन दिखाओ बोलो। हेलो भैया, अरे यार पानी गंदा है। तो गाइस इतना मेहनत करने के बाद फिलहाल हम लोग 3 किलोमीटर का ट्रैकिंग करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं बड़ा अपकोल वाटरफॉल, उड़ीसा हाईएस्ट वाटरफॉल। तो कैसा लग रहा है व्यू देख के बताओ। ये देखो, ये अपना छोटू ब्रो प्रज्वल। तो गाइस हम लोग अभी नीचे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं नीचे से व्यू। तो इतना अच्छा व्यू के लिए 1 लाइक तो बनता है, तो संभल के जाना पड़ेगा हम लोगों को। अच्छा लग रहा है व्यू, कैसा लग रहा है? हालत खराब। तो यहाँ पे फूल लाएंगे आकाश एयर के लिए। तो व्यू देख के कैसा लग रहा है गाइस? ओ छोटा, हेलो करो भाई। अबे देखना मस्त दिख रहा है बे। ये देखो गाइस इतना क्राउड है यहाँ पे। कैसा लगा वाटरफॉल बताओ यार? पूरा थकान दूर हो गया ना? तो भाई बता रहे पूरा थकान दूर हो चुका है। कुदूर सिंगल है, एक से लग गली बने बने कोडेम कोडेम, एक नंबर लग रहा है। अभी आपको मैं व्यू दिखाने वाला हूँ, वो बहुत ही खतरनाक है। ये देखो सबसे ऊंचा वाटरफॉल यहाँ का, जो कि ओडिशा बरगढ़ में है। अबे मेरे पीछे जो वाटरफॉल है वो एक सुकून वाला जगह पे है गाइस। अबे ऐसे करके लेते हैं। ये देखो व्यू खतरनाक है। अभी आपको जाके आगे का व्यू दिखाता हूँ गाइस। तो गाइस इतना खतरनाक व्यू देखो, इसके ऊपर में एकदम खतरनाक। ये देखो गाइस, वाटरफॉल के सामने में ये देखो खतरनाक। हाँ भाई एक नंबर, ये एक नंबर, ये दूसरी। पलट जाओ इधर। नदी का पानी भर रे, नदी नदी मच्छी ना, नदी नदी घुमा ले बेन साग तोड़ा ले, के मुनो छवा के ताले 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 रे, के मुनो छवा के लगा ले रे, हवा 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 हवा।
खुल आके बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। आप लोग भी जरूर आए यहाँ पे, मात्र 70 किलोमीटर में आपको लाखों करोड़ों वाला जो व्यू देखने को मिलेगा वो पूरा पैसा वसूल है। बाकी पैसा तो लगा नहीं है क्योंकि हम लोग बिना वीजा पासपोर्ट के ओनली 300 रुपया का तेल डला के यहाँ पे आए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और डिसलाइक जरूर करना, पसंद आए तो अनसब्सक्राइब भी जरूर करना। तो गाइस सच में आपकोल वाटरफॉल ना एकदम पैसा वसूल वाटरफॉल है, जो कि यार इतना ऊंचा से पानी गिरता है। और हम लोग अभी इतना गजब का मौसम में आए हैं, हम लोग जब पहला वाटरफॉल आई से पहला वाला जो वीडियो था उसमें आप लोग देखे होंगे जो वाटरफॉल था उसके जाने का कोई रास्ता नहीं था, फिर भी आप लोगों के लिए मैं वहाँ तक गया और ये सेकेंड वाटरफॉल तक पहुँचा लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैकिंग करके। तो यार हालत ख़राब हो चुका है पूरा, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, गुजुर भी थक गया है, फूल नहा दिया, छोटू भी पूरा फूल नहा दिया, मज़ा आ गया। तो इधर बाकी लोग पहुंचे नहीं है तो हम लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। A few moments later. So guys, हालत ख़राब हो गया, लगभग हम लोग अपने घर की ओर मतलब निकलने वाले हैं अभी। तो हम लोग यहाँ पे थक चुके हैं, तो यहाँ पे अपना चाय पार्टी चल रहा है, तो बहुत थक गए हैं यार। हम अपन आए थे 11 बजे से आए थे और लगभग अभी 4 बजने वाला है, तो थक चुके हैं अपन। मेरा ब्लॉग यहीं तक का था, सेकंड पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट भी जल्दी से जाके देखो तब आपको दिखेगा कि फर्स्ट पार्ट में कौन सा वाटरफॉल देखने मिला। अभी हम लोग सेकंड पार्ट में हैं, तो यहाँ पे यहाँ चाय पार्टी चल रहा है, इधर पकड़ा हूँ, यहाँ पे चाय पार्टी चल रहा है गाइस, ये ही। तो मैं भी चाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद, क्योंकि लाइक तो करना पड़ेगा यार, इतना हम लोग मेहनत करके इतना दूर गए थे, हालत ख़राब हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, नए किस्से और नए जगह पे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, एक नंबर। सो गाइस यहाँ पे इतना मेहनत करें, हम लोग सोचे कि यहाँ चिकन चावल और बिरयानी मिलेगा, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पे सावन का महीना चल रहा है तो यहाँ पे चावल चिकन और बिरयानी यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो अफसोस की बात, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भैया बढ़िया सा 40 रुपये में चावल सब्जी सादा सब्जी खिला रहे हैं, तो अपन उसी को खा के चलते हैं। ये देखो, कोई नहीं, भूख लगता है तो ये मोटा चावल ही अच्छा लगता है। ये देखो मिर्ची सब्जी भी है, तो खाते हैं जल्दी से फिर चलते हैं, और व्लॉगिंग करने का दम नहीं है। टाटा।